गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मीरा मैम आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी क्लास वन में। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट आठ हिंदी। तो बच्चों आप हम लोग पाठ को किताब की सहायता से पढ़ते हैं। यह नितिन है। नितिन एक अच्छा बालक है। अच्छा बालक सबको प्यारा लगता है। नितिन भी सबको प्यारा है। वह अपना सब काम समय पर खुशी खुशी करता है। नितिन एक कृषक का लड़का है। वह प्रातःकाल 5 बजे उठ जाता है। पहले पृथ्वी माता को नमस्कार करता है, फिर अपने माता पिता को प्रणाम करता है। पानी पीकर कुछ देर टहलता है। वह जानता है कि प्रातःकाल उठकर पानी पीने से पेट साफ रहता है। वह ताजे पानी से स्नान करता है। स्नान से पूर्व दांत और जीभ साफ करना नितिन कभी नहीं भूलता। इसने योगासन भी सीख रखे हैं। वह 6 बजे तक योगासन कर पूजा करने के लिए बैठ जाता है। पूजा से परमात्मा की कृपा तो मिलती ही है, इसके दादाजी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसको पूजा करना दादाजी ने ही सिखाया है। नितिन नाश्ते में अंकुरित चने या मूंग खाता है। माँ कभी कभी दलिया में घृत डाल कर देती। घृत का मतलब होता है बच्चे घी। इसके बगीचे में फलों के वृक्ष हैं। यह फल भी खाता है। नितिन प्रतिदिन समय से पूर्व विद्यालय पहुंचता है। प्रतिदिन मतलब रोज रोज डेली वह विद्यालय जाकर अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है। शिक्षक उससे प्रसन्न रहते हैं। वह सदा उनकी आज्ञा का पालन करता है। नितिन उनका बताया गृहकार्य पूरा करके लाता है। छुट्टी होने पर कुछ छात्र वृक्षों पर चढ़कर फल तोड़ते हैं। कुछ बालक मृग के समान दौड़ते हैं। इधर उधर बच्चे दौड़ते भागते हैं, लेकिन नितिन ऐसा नहीं करता है। नितिन सीधा घर जाता है। छुट्टी होने के बाद नितिन सीधा घर जाता है। वह शाम को खेलता है। खेलने से व्यायाम हो जाता है और पसीने से भीतर का मैल भी निकल जाता है। रात को भोजन के बाद वह दादाजी के साथ सैर करने जाता है, मतलब घूमने जाता है। दादाजी उसे अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। आओ हम भी नितिन जैसे बने, हमें भी सब लोग प्यार करेंगे। पार्ट आठ नितिन का हम लोग पढ़ेंगे। शब्द आठ, परिचय जानकारी, टहलता घूमता, कृषक किसान, प्रसन्न का खुश, पृथ्वी का धरती, कृपा का दया, मृग का हिरण, वृक्ष पेड़। प्रश्न नंबर एक है का कौन सबको प्यारा लगता है। उत्तर होगा बच्चों नीति सबको प्यारा लगता है। खा नीति सब काम कैसे करता है। उत्तर होगा नीति सब काम समय पर खुशी खुशी करता है। ग नीति कितने बजे उठता है। उत्तर होगा बच्चों नीति 5 बजे उठता है। घ है नहाने से पहले वह क्या करता है।
इसका उत्तर होगा बच्चे, नहाने से पहले वह दांत साफ करता है। च, नितिन कब खेलता है? उत्तर होगा नितिन शाम को खेलता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। क है, नितिन सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करता है, तो बच्चों ये होगा सही। ख है, दांत साफ करना नितिन आवश्यक नहीं समझता, ये होगा गलत, गलत वाक्य। ग है, नितिन प्रातः ताजे पानी से स्नान करता है, ये है सही वाक्य। घ है, नितिन विद्यालय रोज देर से जाता है, ये है गलत वाक्य। च है, नितिन बड़ों का कहना मानता है, ये वाक्य है सही, सही का चिन्ह लगेगा। छ है, नितिन कभी खेलता नहीं है, ये है गलत वाक्य। प्रश्न नंबर तीसरा है, वाक्य पूरे करें। नितिन एक कैसा लड़का, अच्छा या गंदा, तो हम इस पर टिक करेंगे अच्छा, यहाँ लिखेंगे अच्छा। नितिन एक अच्छा लड़का है। ख है, वह पृथ्वी माता को नमस्कार करता है। नमस्कार, वह पृथ्वी माता को नमस्कार करता है, इसमें हम भर देंगे। ग है, उसे पूजा करना किसने सिखाया है, दादाजी ने, दादा जी ने, दादाजी ने सिखाया है, इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। घ है, दादाजी उसे अच्छी क्या सुनाते हैं, कहानियाँ, तो हम इस पे कहानियाँ पर टिक कर देंगे, यहाँ पे दादाजी पे और यहाँ पे नमस्कार पे, तो यहाँ हम लिख देंगे कहानियाँ, कहानियाँ।